अब पे ऐसा मजा आ रहा है कि मैं बोलो मत, कुछ बस देखते रहो, लहरों की आवाज सुनते रहो, ऐसा मजा आ रहा है यहाँ पे। Hi guys, welcome back to another episode of Delhi to Goa road trip। भाई आज तो तुम लोग कपड़े देख के समझ गए होगे कहाँ जा रहा हूँ। आज मैं फाइनली जा रहा हूँ वाटर स्पोर्ट्स करने, क्योंकि मैंने पिछले दो दिन कुछ भी वाटर स्पोर्ट नहीं करा और मैंने सोच रखा था कि एक पूरा सेपरेट डे निकालूंगा वाटर स्पोर्ट्स लिए, एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगा वाटर स्पोर्ट्स पे, क्योंकि हर तरीके के वाटर स्पोर्ट्स करने वाला हूँ। बाकी वहाँ जाकर देखते, क्योंकि एक मेरे को बस बनाना राइड नहीं पसंद, तो बनाना राइड नहीं करूंगा, बाकी सारे वाटर स्पोर्ट्स करने वाला हूँ। अभी जस्ट थोड़ी सी गाड़ी साफ करी, अंदर से बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है गाड़ी, और असलियत बताऊँ तो ना ऐसे देख कर दिल भी जल रहा है कि यार इतनी ज़्यादा गंदी हो रहा है, धुलवाने का मन भी नहीं कर रहा। ऑन द अदर हैंड तो वही ना, दोनों चीज़ मिक्सअप हो रखी हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इतने लंबे लॉन्ग रन पे हूँ मैं, तो सीधा पलवल जाकर ही धुलवाऊँ गाड़ी। तो बस अब चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे कौन कौन से वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। सबसे पहले भी एक बार मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था कि बागा बीच पे करेंगे, बट अभी मेरे को किसी ने बताया कि एक बार अंजुना बीच पे ट्राई कर लो, तो एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं पहले, अगर यहाँ पर सही सीन अपना सेट होता है तो फिर यहाँ पे करेंगे, नहीं तो फिर बागा बीच पे चलेंगे। यार आज इसको ट्राई करता हूँ, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है ना जेट स्की के टाइम पे, तो अभी हम क्या क्या करने वाले, एक तो जेट स्की कर रहे हैं हम, और जेट स्की कर रहे हैं, और एक हम पैरासेलिंग कर रहे हैं। बनाना राइड नहीं यार, मेरा वीडियो मत बनाओ। नहीं नहीं, तो आपका वीडियो नहीं बना रहा मैं, लो हटा दिया। तो बनाना राइड तो नहीं करनी, बनाना चलो नहीं बना रहा, हर कोई हेजिटेट हो जाता है ना एक बारी में सामने आते ही, तो बनाना राइड नहीं कर रहे। और अभी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज चल रहा हूँ स्पीड बोट में, तो स्पीड बोट का देखते हैं अभी, अभी बात करता हूँ स्पीड बोट की, फिर देखते हैं। साफ है बिल्कुल, दो चीज़ें डिसाइड करी मैंने, जेट स्की और स्पीड बोट, क्योंकि स्पीड बोट में क्या है कि ये मेरे को 3-4 किलोमीटर आगे तक लेकर जाएंगे और वहाँ पे सारे स्पॉट्स दिखा कर लेकर आएंगे जैसे ये कह रहे हैं। और रही बात पैरासेलिंग की, तो पैरासेलिंग की हिम्मत नहीं पड़ रही, मैंने अभी वहाँ पे होती हुई देख ली, तो मेरे को थोड़ा सा है हाइट का फोबिया है, तो पैरासेलिंग नहीं हो रही। जेट स्की चलाते हैं पहले, जेट स्की का एक्सपीरियंस लेना है, बहुत सेक्सी होता है, और ये तो अभी मतलब कि इनका ड्राइवर ही चला रहा है बट मैं खुद चलाने वाला हूँ, तो जेट स्की चलाते हैं और फिर स्पीड बोट करते हैं। और इसका तो ये मना कर रहे हैं कि इसको मत ही करो, फोन गिर गया समुद्र में तो फिर गया। ये देखो शायद से ये आ गई मेरी बोट राइड, पहले कह रहे हैं पहले बोट राइड करवाएंगे उसके बाद जेट्स की, तो पहले बोट राइड करते हैं, 10-15 मिनट का बता रहे हैं लोग। ये देखो ये बम्पर राइड है, ये इसके अंदर ये झटके मिलते हैं बस, और कुछ नहीं है। ये हो गई बोट राइड शुरू, वो बहुत ज्यादा दूर है। भाई देखने में इजी है, देखने में इजी है, डर लगता है। कौन सा शिवा वैली अच्छा, ये फेमस होटल है शिवा वैली यहाँ का। अच्छा सही है, और ये क्या भैया बीच में वो झंडा लगा है रॉक करके? अच्छा तो दिख रहा है रास्ता टाइप इसके लिए लगाया। अच्छा 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 हाँ, अच्छा जो ये है ऊपर यहाँ पे, हाँ तो ये बता रहे कि यहाँ पे धूम मूवी का शूट हुआ था जहाँ पे जॉन अब्राहम सर पैसे लेकर जंप मारते हैं ना। हाँ भाई मस्त है यार ये, और ये होती है पैरासेलिंग जो ऊपर हो रही है वहाँ पे, कहाँ देख रहा ये नहीं यार, ये करने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी। क्रेजी क्रेजी है, ओए ओए, डोनट चल रहे हैं बोट पे, फुल डोनट चल रहे हैं बोट पे। भाई क्या प्यारा लग रहा है पूरा भाई, जबरदस्त। इसकी चलानी है मेरे को ना, अब जेट्स की चलाऊंगा, फिर पैरासीलिंग का अपना मन बना रहा हूँ मैं, तो पैरासीलिंग करनी है। ये ग्राउंड रहता है जिसकी 5-10 मिनट टाइमिंग मिलता है, 5 मिनट। अच्छा आ गए भाई वापस, मस्त मजे आए इसमें, लेकिन यहाँ पे कुछ और होता है वहाँ पे कुछ और होता है, ये चीज तो है, बट मस्त भाई। अब जेट्स की Thank you.
भाई क्या फील थी, क्या फील थी जेट्सकी की। भाई कुछ और करना मत करना, अगर जेट्सकी खुद जरूर चलाना। मतलब मैंने वहाँ जाकर इन्होंने मिडल ऑफ सी में बोला कि ऐसे ऐसे जो भी है एक्स वाई जेड सीन, और अगर खुद चलानी है तो बताओ। तो फिर भाव ताव करा, सब चीज़ करी, तो फिर मैंने खुद चलाई। भाई क्या क्रेजी फील है भाई, क्रेजी। जब वेव आती है ना उसके ऊपर से खुद आकर लेकर जाओ। मैं अभी देखता हूँ क्लिप, अगर इसके अंदर अटैच मतलब इसके अंदर अगर कैप्चर हुआ होगा तो मैंने एक वेव को बहुत ज़ोर से खुदाई थी। मज़ा आ गया यार, मज़ा। बाकी पैरासीलिंग देखते हैं भाई, मैं तो अकेला ही एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि यार सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं फोन कहीं रख नहीं सकता, चाबी भी हाथ में पकड़ रखी है। बेफालतू पता नहीं लगता एक मिनट में कुछ हो जाए, इसलिए अपना बढ़िया अकेले ही एंजॉय कर रहा हूँ सेट एकदम। क्योंकि वाटर स्पोर्ट तो यार यही थे, बनाना राइड बहुत ज्यादा बोरिंग होती है। मेरा मेन तो था जेट स्की, मेरे को जेट स्की चलानी थी, मेरा बहुत मन था बहुत टाइम से। यहाँ पे ऐसा मजा आ रहा है कि मैं बोलो मत, कुछ बस देखते रहो, लहरों की आवाज सुनते रहो, ऐसा मजा आ रहा है यहाँ पे। मैं मेरे को करे हुए मतलब वो जो जेट स्की और बोट राइड करे हुए मेरे को आधा पौना घंटा हो गया, मैं तब से बस यहीं खड़ा हूँ। ऐसे मजा आ रहा है ये सब देखने में यार, क्या मतलब सही है यार। एक तरफ पहाड़ एक तरफ बीच, बहुत सही है। बाकी मैंने ड्रॉप कर दिया भाई पैरासीलिंग का प्लान, क्योंकि फिर कभी आऊंगा जब कुछ चीज अगली बारी के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, जैसे कि आने की मोटिवेशन रहे कि यार वो चीज़ रह गई थी तो वो करनी है, इस वजह से उसको छोड़कर जा रहा हूँ मैं। आ गया भाई मैं वापस, अब बस नहाते हैं और फिर आगे निकलते हैं घूमने के लिए गोवा में। आज वैसे भी लास्ट डे है गोवा में, और ये देखो ये देख कर ना बस ये करने का मन करता है। तो वापस अपना घूमने निकलते हैं, और इसलिए छोड़ा यार फिर पैरासीलिंग भी, एक तो खुद भी हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि अकेले हूँ ना यार दोस्त, तो थोड़ा सा पंप भी रहता है कि करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ते हैं, नेक्स्ट टाइम भी तो आना है। हर जगह पे कुछ ना कुछ छोड़कर चल रहा हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए, कि नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो वो वाली चीज़ें भी एक्सप्लोर कर पाऊँ। सब कुछ अगर अभी एक्सप्लोर कर जाऊँगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा नेक्स्ट टाइम आने के लिए। हो गया भाई नहा धो के सेट अपना बढ़िया एकदम मस्त चकाचक तरीके से। भाई इतनी रेत निकली है ना, वो कपड़े भी मतलब ऐसे ही रख दिए मैंने तो वो कपड़े अभी के लिए। तो देखता हूँ या तो फिर अभी यहाँ पे लड़का कोई भी नहीं है, देखता हूँ अभी थोड़ी बहुत देर में इनको फ़ोन कर दूंगा कि मेरे कपड़े वाले दो तीन जो हैं आज के वो धो देंगे, क्योंकि खुद तो नहीं धुलेंगे, उनके अंदर रेत है काफ़ी ज़्यादा। बट अब चलते हैं, सबसे पहले अब लंच करते हैं यार, भूख लग रही है, लंच करते हैं उसके बाद फिर चलेंगे आगे। आज देखो यार क्या प्यारा मौसम हो रहा है, प्यारी प्यारी सी सनलाइट आ रही है, और मतलब कि गर्मी नहीं है आज बिल्कुल भी। आज का मौसम अपने साथ है, अपना साथ दे रहा आज का मौसम। नहीं तो एक दो बजे तक ना हालत टाइट हो जाती है घूमते। आज फिर से मसाला राइस खा रहा हूँ भाई, गोवा में आके ना मसाला राइस जरूर ट्राई करना, लिटरल बहुत स्वाद है यहाँ के मसाला राइस। कहीं के भी कर लेना, मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक रेस्टोरेंट नहीं है, कहीं के भी ट्राई कर लेना, बहुत ज़्यादा स्वाद है। और ये गलती मत करना जैसे गलती मैंने करी कल की, ट्रैवलिंग कर रहे हो और पराठे खा लिए। कल बहुत गंदा आला सा आया था भाई लास्ट व्लॉग में, बहुत मतलब मेरी सबसे बड़ी गलती थी वो, कि मतलब मैंने वो खाए पराठे खाए। बट ये मसाला राइस एंजॉय करता हूँ, फिर आगे चलेंगे हम डोला पोना। खाना खाते खाते देखो क्या देखा यार, दिस इज समथिंग विच आई रियली वांट, वन डे फॉर श्योर, वन डे विल बाय इट। क्या प्यारी लगती है यार हाईलक्स, क्या प्यारी लगती है, हाईलक्स बोल लो हीलक्स बोल लो, कुछ लोग हाईलक्स बोलते हैं कुछ लोग हीलक्स बोलते हैं, बट क्या प्यारी लगती है यार। मतलब देख कर ना सीरियसली, मेरे वर्ड्स नहीं है, मेरी शक्ल से दिख रहा है मेरे को कितनी ज़्यादा पसंद है हाईलक्स। गोवा का सीलिंग आ गया गाइस, गोवा का सीलिंग भाई कितना प्यारा व्यू है। और यार पता है यहाँ पे लोगों को, मैं अभी गाड़ियाँ देखता आ रहा था, एट लास्ट टाइम कार गए तो गाड़ियाँ ना सबसे ज़्यादा देखता हूँ मैं, तो यार गाड़ियाँ भाई क्या शौक करते हैं यहाँ पे लोग, क्या शौक करते हैं। मैंने अभी एक GLE देखी थी मर्सिडीज़ की, और स्काई ब्लू कलर का उस पर रैप हो रखा था, मतलब इतने में मैंने कैमरा खोला, इतने में मेरे को आगे चलना पड़ा क्योंकि पीछे पुलिस की गाड़ी थी। सीरियसली अभी मैंने ऑक्टाविया भी देखी है, हम जो NCR वाले लोग हैं ना, हमारे अंदर तो एक ना वो मार दिया है सरकार ने कि तुम मॉडिफिकेशंस नहीं करवा सकते, नहीं तो इतना प्यारा, इतनी प्यारी प्यारी नंबर प्लेट्स, इतनी प्यारी मॉडिफिकेशंस, लोअर करवा रखी है गाड़ी, रैप्स करवा रखे हैं, बहुत क्लास है यार सीरियसली। मतलब ये सब देख कर ना, गाड़ियाँ देख कर गोवा मुंबई की, ऐसा लगता है कि यार क्यों प्लीज़ हमें भी कुछ करवाने दो NCR में रहकर अपनी गाड़ियों पर।
बाहर से कुछ तो करवाने दो एटलीस्ट हमें भी, सीरियसली यार बड़ा दुख होता है कभी कभार। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है अपने कैश की या यूपीआई की, यहाँ पे यूपीआई इजीली कर सकते हो। और 50 रुपीज पर हेड मतलब पर अडल्ट फीस है। और ये देखो ये आ गया डोला पोला, डोला पोला हाँ टंग ट्विस्टर है ना, डोला पोला। ये देखो सामने वाला था शायद से, अभी देखते हैं। अब तो काफ़ी ज़्यादा रेनोवेट कर दिया, मैं अभी देख भी रहा था इसके बारे में, मैं उस पर गूगल पे देखता हुआ आ रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा रेनोवेट कर दिया, ये पहले ऐसा नहीं था और अब तो काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया, जो ये ऊपर का भी हो चुका है। इस जगह का पूरा नाम है डोना पोला जेट्टी। ये देखो बहुत सही व्यू है, बहुत सही, काफी प्यारा व्यू है। यहाँ की हॉन्टेड, यहाँ की जो हॉन्टेड स्टोरी है उसी के बारे में मैं सर्च कर रहा हूँ अभी कि हॉन्टेड स्टोरी के बारे में पता लगे। वो देखो क्रूज खड़े, यहाँ से तो नहीं दिख रहा होगा, ये रहे हाँ इतना क्लियर नहीं है बट हाँ ये क्रूज खड़े हैं। सो बेसिकली ये था इसमें कि जो डोना पोला है ये एक लेडी का नाम था जो कि यहाँ पे देखो ये बना रखी, ठीक है। और एक गैस्पर दियास नोबल मैन थे जिन्होंने, जो ये दोनों आपस में प्यार करते थे और गैस्पर दियास ने इनको धोखा दिया था किसी और से शादी करके, तो जब धोखा दिया था तो डोना पोला डोना पोला यहाँ से कूद गई थी और फिर रात को उनकी क्या कहते हैं बेसिकली आत्मा दिखी थी और गैस्पर दियास से रिवेंज लिया था। ये है पूरी, ये है भाई एग्जैक्ट स्पॉट जहाँ पे सिंघम मूवी शूट हुई थी, यहाँ पे वो देखा ना जब वो पोल उखाड़ता है तो वो वाला सीन जो अजय देवगन सर पोल उखाड़ते हैं ना, वो वाला जो हिलाकर वो पूरा उखाड़ कर जीप में डालते हैं, वो यहाँ पर शूट हुआ था। और लेकिन अब क्या है कि ये वाला बंद करके सारा रेनोवेट कर दिया शायद से, इसलिए करा है कि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया इस वजह से। और अब देखो पूरा नया कितना ज़बरदस्त बना दिया है, बहुत सही प्लेस है। मतलब कि ये कुछ प्लेसेस ऐसे हैं कि बिल्कुल आने लायक, और यहाँ पे गोलमाल मूवी की भी शूटिंग हुई है, गोलमाल आई थिंक 3 उसकी शूटिंग भी यहाँ पे हुई है। यहाँ पे ना ये भी कहते हैं कि यहाँ पे सुपर पावर्स हैं डोना पोला की, यहाँ पे सुपर पावर्स हैं जो रोकती हैं, मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े कि जिसके अंदर रोका गया उन लोगों को यहाँ पर जो शाम के वक्त आए, मतलब आर्टिकल्स पढ़े, डोंट कोट मी ऑन दिस, मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं तो वहाँ पे यही बताया गया है कि उनको रोका भी गया है, तो मतलब कि रोक अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा भी है यहाँ पे कुछ। कितना ज़्यादा सूदिंग लग रहा है यहाँ पे खड़े होना, कितना ज़्यादा भाई, ये देखो ये देखकर भी ना अलग सी फील आती है, समुद्र की यार अपनी एक अलग वाइब है सीरियसली। मतलब मैं समुद्र देखने आया 8 साल बाद, मैंने 2015 में लास्ट समुद्र देखा था मुंबई में, और अब आया हूँ, अब तो अपना होश संभाल रखा, पहले तो अपना होश ही नहीं था, 9th क्लास में था, बालक तो खैर अब भी हूँ, लेकिन फिर भी अब अपना होश संभाल रखा है तो अब फील समझ आती है भाई समुंदर की, तब तो ये लगता था हो समुंदर, लेकिन अब फील समझ आती है। ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे खड़े होकर, और देखो यहाँ पे भी ये सब कुछ हाल फिलहाल में शुरू करा गया है, जितनी भी मार्केट मुर्केट लगाई गई है, क्योंकि अब अगली बार तो लोगों की रिकॉग्निशन में आ गया डोना पोला इस वजह से, डोना पोला जेट्टी। ये देखो सारा बढ़िया अपनी मार्केट बना दिया यहाँ पे इन लोगों ने, यहीं से कपड़े खरीदो और यहीं से अपना वाटर स्पोर्ट्स करो, यहाँ पे भी होते हैं। खैर बेसिकली ये है कि गोवा में वाटर स्पोर्ट्स तो हर जगह होते हैं, हर एक जगह किसी भी बीच पर चले जाओ वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, बट बात ये है कि बीच टू बीच वो वेरी करते हैं प्राइजेस, सब कुछ सेम है, एक्सपीरियंसेस सारे सेम है, ठीक है। लेकिन अब जैसे मैं कल बागा बीच पे गया था तो मेरे से मांग रहे थे वो 2500 रुपये फॉर जेट स्की ओनली, 1000 रुपये जेट स्की के, और मैंने आज दिए जेट स्की के 500 रुपये, तो एक ये चीज़ है, तो इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना और थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद ही फिर कहीं पे ऑप्शन लेना अपने लिए। यहाँ से यार वापस निकल के डोना पोला से वापस निकल गया मैं, और अब चलते हैं, एक ना बहुत क्यूट स्पॉट है यहाँ पर फोटोग्राफी का, बहुत क्यूट, आप लोगों ने सबने देखा होगा वो, बट मैं फिर भी दिखाता हूँ इसलिए अभी नाम नहीं बता रहा मैं। सबसे पहले वहीं चलते हैं, अब मैं इस वक्त था पणजी में है ये डोना पोला। यार एक तो ये टंग ट्विस्टर है ना, डोला पोना डोला डोना पोला होता रहता है, डोना पोला यहाँ पे था पणजी में था, तो ये है ऑलमोस्ट 1 घंटे की ड्राइव है अंजुना बीच से, तो 1 घंटे की ड्राइव आपको अंजुना बीच से करनी पड़ेगी तब तो आप जाकर डोना पोला पहुँचोगे। अब वापस मैं अपना अंजुना बीच के पास जा रहा हूँ जहाँ पे वो स्पॉट है, बहुत प्यारा सा स्पॉट है, क्यूट सा स्पॉट है। पहचाना इस रोड को? नहीं पहचाना, सोचो,
यार ये है डियर जिंदगी मूवी जहाँ पे शूट होती है, जहाँ पे शाहरुख खान साहब और आलिया भट्ट मैम साइकिल लेकर चलते हैं। क्या प्यारा रोड है भाई ये। गाड़ी पता नहीं अभी इन लोगों ने स्कूटी कैसे रोक रखी, बट गाड़ी नहीं रोकने दे रहे। अच्छा है, कुछ तो सीन है। ये देखो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी भाई, रोड मतलब रोड की पार्किंग है 100 रुपए की। ये चलता हुआ रोड ही तो है, ठीक है फिल्म शूट हुई है बट चलता हुआ रोड ही तो है, और यहाँ की भी 100 रुपए की पार्किंग है। लेकिन ये रोड बहुत प्यारा है, देखो कितना सुंदर है ये। सब अपना लगे पड़े हैं, सब फोटो में वीडियो में। ये जिसकी स्कूटी है वो तो साइड में कहीं पे भी खड़ी कर दे, लेकिन जिसके पास गाड़ी है उसको तो फिर पार्किंग में ही लगाना पड़ेगा ना, बेफालतू का चलान होएगा। चलान से अच्छा 100 रुपए देंगे हम भाई। फुल ऑन भीड़ कर रखी है यहाँ। सही है यार, बढ़िया स्पॉट बना हुआ। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुंदर भी है, बट सुंदर होने के साथ साथ ना इतनी ज़्यादा क्राउड भी है। क्या प्यारा लग रहा है ये, ज़बरदस्त। लेकिन वैसे बहुत अच्छी जगह है, लेकिन अब ना पता है सबसे बड़ी बात क्या है, ओवर क्राउडेड है। क्योंकि जगह देखो आप, रास्ता देखो, मतलब एक फॉर्च्यूनर आ रही है, फॉर्च्यूनर के साथ में कोई दूसरी गाड़ी नहीं निकल सकती, ये देखो। तो जब फॉर्च्यूनर के साथ में कोई दूसरी गाड़ी नहीं निकल सकती ऐसे रोड पे और इतने ज़्यादा लोग, मतलब इसलिए स्पेशली लेस क्राउडेड वाले पे हूँ कि उनका कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना कर लेंगे। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा। ये देखो क्राउड, ज़्यादा ही वो कर दिया मैंने, बट क्राउड देखो भाई यहाँ पे। मेरे को तो ऐसा लगता है कि लोगों को निकलने के लिए भी दिक्कत है, इसी चक्कर में पार्किंग बनाई है। क्योंकि इतना छोटा सा रोड और सब आती हैं तो सब इधर ऐसे लगा देते हैं, और इस चक्कर में फिर किसी की फ़ोटो भी नहीं आ पा रही होगी, और यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको भी दिक्कत हो रही होगी। क्या प्यारी प्लेस है, रुको लाइट नहीं आ रही होगी ना। क्या प्यारी प्लेस थी यार, कितनी क्यूट सी प्लेस थी। मतलब था तो वो नॉर्मल रोड ही, बट वो जो पेड़ थे ना साइड में दोनों तरफ, बहुत अच्छा लग रहा था यार। सीरियसली मजा आ गया यहाँ पे आकर भी। मतलब वो एक होता है ना कि हर जगह का एक स्पॉट होता है कि यहाँ पे जाकर मूड रिफ्रेश हो जाए भाई। पूरा गोवा ही ऐसा, पूरा गोवा में रिफ्रेश ही रहोगे, क्योंकि जहाँ पे भी जाओगे वहीं पे नया कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि मन लग जाता है आदमी का। मेरे को ना हर जगह दिख रही है, हर जगह। आज सुबह से 4 बार दिख चुकी है ये, क्या करा जाए। वन डे